Hello childrens, this is Jumadeen sir and today I will teach you chapter 4 of your science and the name of the chapter is Things Around Us. इसका मतलब हुआ हम उन चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे जो चीज़ें हमारे आसपास होते हैं. चलिए चैप्टर को स्टार्ट किया जाए. वी सी मैनी थिंग्स अराउंड अस, हम लोग बहुत सारी चीज़ अपने आसपास देखते हैं. वी सी ह्यूमन बींग, हम लोग इंसान को देखते हैं. एनिमल्स, जानवरों को देखते हैं. प्लांट्स, पौधों को देखते हैं. टेबल्स, टेबल्स देखते हैं. चेयर, कुर्सियाँ देखते हैं. कार, मोटर कार देखते हैं. बुक्स, किताबें देखते हैं. बिल्डिंग्स भी देखते हैं एक्सेट्रा. और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग अपने आसपास देखते हैं. All these things are not of the same kind. ये सभी चीज़ें एक समान नहीं होती हैं. Some of them are living, others are non-living. कुछ उनमें से कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जो लिविंग्स होते हैं और उनमें से कुछ ऐसे भी चीज़ें होते हैं जो नॉन लिविंग. लिविंग का मतलब होता है वो चीज़ जिसमें जान होता है और नॉन लिविंग का मतलब होता है वो चीज़ जिसमें जान नहीं होता है. अब पहले कह रहा है लिविंग थिंग्स. लिविंग थिंग्स में क्या क्या आता है? थिंग्स दैट हैव लाइफ आर कॉल्ड लिविंग थिंग. जिस चीज़ में जान हो उस चीज़ को हम लोग लिविंग थिंग्स कहते हैं. जैसे कि एग्जांपल के लिए दिया गया है एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. जानवर, इंसान, पौधे, ये सब क्या है? लिविंग थिंग्स है. नॉन लिविंग थिंग्स, थिंग्स दैट डू नॉट हैव लाइफ इन देम आर कॉल्ड नॉन लिविंग थिंग्स. वो चीज़ें जिनमें जान नहीं होती है उन्हें हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स कहते हैं. रॉक्स, वाटर, एयर, सोयल, चेयर, टेबल्स, बुक्स, कार्स, बिल्डिंग्स एक्सेट्रा आर नॉन लिविंग थिंग्स. तो यहाँ पर बहुत सारा एग्जाम्पल दिया हुआ है नॉन लिविंग थिंग्स का, जैसे कि पत्थर, पानी, हवा, मिट्टी, कुर्सी, टेबल, किताबें, गाड़ी, बिल्डिंगें और एक्सेट्रा. ये सब क्या चीज़ें हैं? ये सब नॉन लिविंग थिंग्स हैं. ऑल मैन मेड थिंग्स आर ऑल्सो नोन एज नॉन लिविंग थिंग्स. और वो हर एक चीज़ जो इंसान के द्वारा बनाया गया है वो भी नॉन लिविंग थिंग्स ही होता है. तो चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज में चलेंगे. अब क्या कह रहा है यहाँ पे, कुछ तस्वीरें दी हुई हैं लिविंग थिंग्स के और नॉन लिविंग थिंग्स के. फीचर ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. अब इसमें हम लोग फीचर्स पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स के और नॉन लिविंग थिंग्स के. फीचर्स मतलब होते हैं विशेषताएं पढ़ेंगे लिविंग थिंग्स के और नॉन लिविंग थिंग्स के. तो पहला है लिविंग थिंग्स मूव. जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो मूव करते हैं, मतलब कि एक जगह से दूसरे जगह हिलते हैं, डुलते हैं. ऑल लिविंग थिंग्स मूव. जितने भी जीवित चीज़ें हैं वो सभी मूव करते हैं, मतलब अपने जगह से हिलते डुलते हैं. एनिमल्स, जानते हैं जानवर यहाँ से वहाँ जा सकते हैं. ह्यूमन बींग्स, हम लोग भी यहाँ से वहाँ बहुत सारे जगह मूव कर सकते हैं. एंड बर्ड्स, जो पक्षियाँ होती हैं वो भी मूव कर सकते हैं. ऑल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सभी एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. इवन सम प्लांट मूव, ऐसे भी कुछ पौधे हैं जो मूव करते हैं, जो हिलते हैं. द सनफ्लावर टर्न्स टूवर्ड्स द सन. कह रहा है जो चंद्रमुखी का फूल होता है वो अपना वो सूरज की तरफ घूम जाता है, मतलब जिस तरफ से सूरज का रोशनी आ रहा होता है वो अपना चेहरा उस तरफ घुमा लेता है. नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट मूव. कह रहा है जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जिनमें जान नहीं होती वो चीज़ें अपने जगह से नहीं हिलती हैं. दे के नॉट मूव बाई देमसेल्फ, वो लोग अपने आप नहीं अपने जगह से हिल सकते हैं. ए बुक विल नॉट मूव टिल यू पिक इट अप एंड कैरी इट टू अनदर प्लेस. एक किताब अपने जगह से नहीं हिल सकता जब तक आप उसे उठा के कहीं ले ना जाएं. लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर. जो लिविंग थिंग्स, जो जीवित चीज़ें होती हैं वो उन्हें खाना की और पानी की ज़रूरत पड़ती है. ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड एंड वाटर टू लिव. सभी जीवित चीज़ों को
खाने की और पानी की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो जीवित रह सकें। ह्यूमन बींग्स प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट फूड एंड वाटर। कह रहा है मनुष्य, पेड़ पौधे या फिर जानवर, ये लोग कोई भी जीवित नहीं बचेंगे अगर उन्हें खाना और पानी ना मिले। द फूड वी ईट हेल्प अस टू ग्रो, और जो खाना हम लोग खाते हैं वो हमें बढ़ने में मदद करती हैं। ह्यूमन बींग्स ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड्स, और जो मनुष्य होते हैं वो तरह तरह के भोजन खाते हैं। अब नेक्स्ट पेज में चलेंगे हम लोग। एनिमल गेट फूड फ्रॉम अदर एनिमल्स और प्लांट्स। अब कह रहा है कि जो जानवर होते हैं उन्हें उनका खाना जो होता है वो दूसरे जानवरों से या फिर पौधों से मिलता है। प्लांट्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू ग्रो, और पौधों को सूरज की गर्मी और सूरज की रोशनी और पानी की ज़रूरत पड़ती है बढ़ने के लिए। प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, और जो पौधे होते हैं वो लोग अपना खाना खुद ही बनाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड और वाटर, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं जिनमें जीवन नहीं होती है उन्हें खाने की या फिर पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। योर टॉयस डू नॉट ईट फूड और ड्रिंक वाटर, कह रहा है कि आपके जो घर में आपके खिलौने होंगे वो ना खाना खाता है और ना ही पानी पीता है। ओके, लिविंग थिंग्स ग्रो, लिविंग थिंग्स जो होते हैं, जो जीवित चीज़ें होते हैं वो ग्रो करते हैं, मतलब बढ़ते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं सभी बढ़ते हैं। अ लिटिल बेबी ग्रोज इंटू अ चाइल्ड, एक छोटा सा जो बच्चा पैदा होता है वो एक बड़े बच्चे में बदलता है। ए चाइल्ड ग्रो इंटू अ मैन, उसके बाद वही बच्चा एक बड़ा आदमी बन जाता है। उसके बाद में मैन ग्रोज इंटू एन ओल्ड मैन, और वही आदमी जो आदमी था अब एक बूढ़ा इंसान बन जाता है। तो पहले बच्चा पैदा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद और उम्र बढ़ती है, उसके बाद वो बूढ़ा हो जाता है। A chick comes out of an egg and grows into a hen, कह रहा है कि वो जो मुर्गी का बच्चा होता है जिन्हें हम लोग चूजा कहते हैं वो एक अंडे से बाहर आता है और बढ़ते बढ़ते एक वक्त आता है जबकि वो एक मुर्गी में बदल जाता है। A seed grows into a baby plant, a baby plant grows into a big plant. अब कह रहा है कि एक बीज एक छोटे से पौधों में तब्दील होता है, उसके बाद में वही छोटा सा पौधा एक बड़े पौधे में तब्दील हो जाता है। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, अब नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो बढ़ते नहीं हैं। जो टेबल पेन कार एक्सेट्रा डू नॉट ग्रो, आपका जो टेबल है, पेन है, कलम है, गाड़ी है और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि नहीं बढ़ते हैं, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग, क्योंकि उसमें कोई जान नहीं है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ, कह रहा है जो जीवित चीज़ें होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन एंड आउट, कह रहा है कि सभी जीवित चीज़ें सांस लेती हैं अंदर और बाहर, सांस लेते भी हैं और सांस छोड़ते भी हैं। दे नीड एयर टू ब्रीथ इन, उन्हें सांस लेने के लिए हवा की ज़रूरत पड़ती है। लिविंग थिंग्स कैनॉट लिव विदाउट एयर, और जो जीवित चीज़ें हैं वो बिना हवा का जीवित नहीं रह सकते हैं। अगले पेज में आएंगे। अब यहाँ पे दिया हुआ है बी अ मास्टर एंड लिस्ट फाइव लिविंग एंड फाइव नॉन लिविंग थिंग्स इन द गिवन स्पेस, जो ये जो जगह दिया हुआ है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, एक तरफ आपको लिविंग थिंग्स का नाम लिखना है और दूसरी तरफ आपको नॉन लिविंग थिंग्स का नाम लिखना है। अब आइए चैप्टर में। होल्ड योर नोज विथ योर फिंगर फॉर सम टाइम, कह रहा है कि अपने नाक को उंगलियों से कुछ देर के लिए पकड़ लीजिए।
हाउ लॉन्ग कैन यू स्टे विदाउट ब्रीथिंग, कितना समय आप बिना सांस लिए रुक सकते हैं। नॉट इवन फॉर अ मिनट, एक मिनट भी नहीं रुक सकते हैं। यू विल फील सफोकेटेड विदाउट एयर, हम लोग को घुटन महसूस होने लगेगा बिना हवा का। यू विल हैव टू फ्री योर नोज फॉर ब्रीथिंग, और जब आपको घुटन महसूस होने लगेगा तो आप क्या करेंगे, आपको अपने नाक को छोड़ना पड़ेगा ताकि आप सांस ले सकें। प्लांट्स आर ऑल्सो लिविंग थिंग्स, जो पौधे होते हैं वो भी लिविंग थिंग्स होते हैं। दे टू कैनॉट लिव विदाउट एयर, और वो भी बिना हवा का जीवित नहीं रह सकते हैं। ह्यूमन बींग्स एंड सम एनिमल्स लाइक मॉन्की एक्सेट्रा हैव लंग्स टू ब्रीथ, कह रहा है ह्यूमन बींग्स, इंसान, मनुष्य और कुछ जानवर जैसे कि बंदर, हैव लंग्स टू ब्रीथ, सांस लेने के लिए उनके शरीर में लंग्स मौजूद होते हैं, फेफड़े। सम एनिमल्स हैव गिल लाइक फिश, कुछ जानवरों के पास गिल होता है, जो कि हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे फिश के पास गिल होता है, देख सकते हैं। सम एनिमल्स हैव एयर होल्स टू ब्रीथ लाइक एंट एंड कॉकरोच, कुछ जानवरों के पास एयर होल्स होते हैं, मतलब छोटे छोटे छेद होते हैं उनके शरीर में, जिसके मदद से वो लोग सांस अंदर लेते हैं और छोड़ते हैं, जैसे कि एग्जांपल में चींटी और कॉकरोच का एग्जांपल दिया हुआ है। प्लांट ब्रीथ थ्रू द प्रोस कॉल्ड स्टोमाटा इन देयर लीव्स, और प्लांट के पत्तों में छोटे छोटे छेद होते हैं जिन्हें हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, और उसके थ्रू प्लांट्स ब्रीथ करते हैं, मतलब सांस लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ, और जो जीवित चीज़ें, जो अजीवित चीज़ें हैं, जो जीवित नहीं हैं, वो चीज़ें सांस नहीं लेते हैं। स्नीज द नोज ऑफ योर डॉल, सॉरी स्क्वीज द नोज ऑफ योर डॉल, कह रहा है कि अपने गुड़िया का नाक को निचोड़ो। नथिंग विल हैपन टू इट, उसे कुछ भी नहीं होगा। लिविंग थिंग्स फील, अब जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो महसूस कर सकते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स फील, सभी जीवित चीज़ें महसूस कर सकते हैं। ऑन फीलिंग द प्रिक ऑफ अ नीडल वी पुल अवे आवर हैंड क्विकली, जब हमें कोई सुई का चुभन होता है तो हम लोग क्या करते हैं, अपने हाथ को बहुत तेज़ी से खींचते हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट पेज में आइए। लाइक ह्यूमन एनिमल ऑल्सो फील, जैसे इंसान को महसूस होता है वैसे ही जानवर को भी महसूस होता है। अ डॉग बार्क्स व्हेन यू स्ट्राइक इट, एक कुत्ता चिल्लाता है जब उसे आप मारते हैं या उसके ऊपर कुछ थ्रो करते हैं, मारने के लिए थ्रो करते हैं, पत्थर फेंकते हैं, तो एक कुत्ता चिल्लाता है। प्लांट ऑल्सो फील, कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जो कि फील करते हैं। ए टच मी नॉट प्लांट फोल्ड इट लीव व्हेन समवन टचेस इट, एक प्लांट है जिसको हम लोग टच मी नॉट कहते हैं, इसका मतलब ही हुआ कि मुझे मत छुओ। वो अपने पत्तों को, वो उसके पत्ते सिकुड़ जाते हैं जब हम उसे छूते हैं। तो नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट शो फीलिंग, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनमें जान नहीं होती हैं, वो लोग अपना जो फीलिंग्स होते हैं उसे दिखाते नहीं हैं, मतलब उसे कुछ फील ही नहीं होता तो वो क्या दिखाएगा। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, अब कह रहा है लिविंग थिंग्स, जो जीवित चीज़ें होते हैं वो रिप्रोड्यूस होते हैं मतलब पैदा करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ देयर ओन काइंड, सभी जो भी जीवित चीज़ें हैं इस धरती पे, वो अपने जैसे ही अपने छोटे छोटे, जैसे छोटे छोटे बच्चों को पैदा करते हैं, जैसे इंसान बच्चे को जन्म देता है, जो बिल्ली होती है वो भी अपने बच्चे को जन्म देती है, जो शेरनी होती है वो भी अपने बच्चे को जन्म देती है। ह्यूमन बींग्स एंड सम एनिमल्स लाइक कैट, लायनेस एक्सेट्रा गिव बर्थ टू देयर बेबी,
इंसान हो गए या कुछ जानवर जैसे कि बिल्ली हो गई, उसके बाद शेरनी हो गई, ये अपने जैसे ही अपने बच्चों को जन्म देती हैं। सम एनिमल्स एंड बर्ड्स ले एग्स और गिव बर्थ टू देयर बेबीज। कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं, कुछ जानवर और कुछ पक्षियाँ अंडे देती हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि सीधा बच्चे पैदा करती हैं। प्लांट गिव सीड्स विच ग्रो इंटू न्यू प्लांट्स। पौधे हमें क्या देते हैं, बीज देते हैं जो कि ठीक उसी की तरह एक दूसरा प्लांट, हम लोग एक दूसरा पौधा उससे तैयार हो सकता है। सम प्लांट कैन रिप्रोड्यूस थ्रू देयर रूट्स स्टीम्स एंड लीव्स। कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कि अपने जड़ों के द्वारा या फिर अपने डंडों के द्वारा या फिर अपने पत्तों के द्वारा भी रिप्रोड्यूस हो सकते हैं, मतलब उसका पौधा पैदावार जो है वहाँ से बढ़ सकता है। बट हैव यू एवर सीन अ चेयर प्रोड्यूसिंग बेबी चेयर। लेकिन क्या आपने कभी ऐसा देखा है कि एक चेयर, एक कुर्सी जो है उसने एक बच्चे कुर्सी को जन्म दिया हो? नो, नहीं, बिकॉज चेयर इज अ नॉन लिविंग थिंग। क्योंकि जो चेयर है वो एक अजीवित चीज़ है, वो जीवित नहीं है। नॉन लिविंग थिंग्स कैनॉट रिप्रोड्यूस, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं वो पैदा नहीं कर सकते हैं। लिविंग थिंग्स डाई, कह रहा है जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जो वो चीज़ें जिस जिनमें जीवन होती है वो मरते भी हैं, उनका अंत भी आता है। लिविंग थिंग्स मे लिव फॉर अ शॉर्ट और अ लॉन्ग टाइम। इन द एंड ऑल लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई। कह रहा है लिविंग थिंग्स जो हैं वो एक छोटे वक्त के लिए या फिर एक लंबे वक्त के लिए जीवित रहते हैं, लेकिन आखिर में वो बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट डाई, और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं जिनमें जान नहीं होती हैं वो चीज़ें नहीं मरती हैं। तो इस तरह आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।